नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट के बारे में। जी हाँ, फ्लाइट भी भाई दुबई के बारे में, यूएई कंट्री के बारे में बात करेंगे। हालांकि फ्लाइट से रिलेटेड मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यार आप लोग वैसे ही पक चुके होंगे। हर रोज़ नहीं के नहीं, कम से कम मुझे लगता है सैकड़ों वीडियो रोज़ डलते होंगे फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ, डालना है चाहे इधर से डालो चाहे उधर से डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपडेट होनी चाहिए, चाहे झूठी हो या सही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को डालते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन हम कुछ जेन्युइन टॉपिक पे बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो गंभीर विषय, उन विषयों पे सोचा जा सकता है। जी हाँ, फ्लाइट से रिलेटेड बात करेंगे भाई। ऑक्सपो आ रहा है आपको 2020 अक्टूबर में, उससे रिलेटेड मैन पूरा तो ताम झाम जो चल रहा है ना वी सरकार का, ये फ्लाइटें उन 16 कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज हैं जिनमें लेबर तबके के लोग सबसे ज़्यादा वी में जाते हैं, उन्हीं को रोक के रखने का एक यही एक कारण है कि इसी की वजह से रोका गया। जी हाँ, आगे फ्लाइटों के बारे में इमरेट्स है, इतिहाद है भाई, वो क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, फ्लाइटों के टिकट के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे डिटेल से। और आपको भी कहीं ना कहीं महसूस होगा कि रियल में ऐसा ही है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। जी हाँ, आगे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं फ्लाइटों के बारे में, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। वीडियो भाई पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको वीआई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइटों के बारे में। फ्लाइटों का बात क्या भाई, आपको पता है 24 अप्रैल फ्लाइट को बंद हुई थी, अभी आप ये जुलाई एंड हो जाएगा दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर। जी हाँ, 15 जुलाई को, फिर 21 जुलाई को, फिर ये पहुंच गया 25 जुलाई को, फिर 28 जुलाई को, फिर 31 जुलाई को। जी हाँ, और अभी पहुंच गया 2 अगस्त को, 2 अगस्त तक ये एक्सटेंड पहुंच गया। अब मुझे ये नहीं पता यार, समझ में नहीं आता कि ये पता नहीं क्या चक्कर है, क्या माजरा, ये दो चार पाँच दिन की फ़्लाइटें क्यों एक्सटेंड होती जा रही हैं। या तो ये हो कि भाई ठीक है लंबर डाल दें, कि लोगों को कम से कम ये तो माइंड में फ्री हो जाए ना वो, या इंडिया में कोई मजदूरी करें बेचारे कि भाई चलो ठीक है भाई आपको 3 महीने फ्लाइटें बंद हैं आगे के लिए, तो वो मेट्रो हो जाता है क्लोज। लेकिन पता नहीं यार सरकार देखिए, कहीं मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरी ओपिनियन बता दूँ कि कहीं ना कहीं माइंड में ये बातें घुस जाती है। देखिए, सरकार अपडेट नहीं देती है, ये देती है फ्लाइटें अपडेट आपको, ये एहतियात ने इन्होंने दिया ना, एयर इंडिया एक्सप्रेस वगैरह अलग अलग फ्लाइटें हैं जो आपको अपडेट देती रहती हैं। और उन फ्लाइटों में मान लीजिए कि दुबई में 20 लाख लोग जाने वाले हैं, सभी कंट्रियों के, जैसे 15-16 कंट्रियाँ हैं, इन कंट्रियों के 18-20 लाख लोग ऐसे होंगे जो दुबई जाना चाहते होंगे। जैसे अपडेट डालते हैं 28 जुलाई से फ्लाइटें आगे एक्सटेंड कर दी गई हैं, अभी 2 जुलाई से फ्लाइटें स्टार्ट, बहुत सारे ऐसी न्यूज़ें लोग बनाते हैं, उनमें से अगर यार लाखों लोग बैठे हैं तो उसमें से सैकड़ों हजारों कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्लाइटें की टिकट बुक करवा लेते हैं। जी हाँ, और उन्होंने ये एक क्या होता है कि जाल में फंसा, जाल फेंका जाता है, शिकारी जाल फेंकता है और शिकार उसमें घुस जाता है, उसने के बाद उसको निकालने का ऑप्शन बंद कर दिया जाता है। अभी एहतियात वगैरह जो दुबई की फ़्लाइटें, उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि आप अगर टिकट बुक करवाते हैं तो नॉट रिफंडेबल टिकट होगी। जी हाँ, उस टिकट को आप एक्सटेंड करवा सकते हैं लेकिन पैसा रिफंड नहीं होगा। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक फ्लाइटों का सिस्टम होता है भाई मोटा पैसा कमाने का, क्योंकि सीधा सीधा है भाई लाखों लोग बैठे हैं। और आपको पता है वीआई की फ्लाइटें हैं, कोई भी फ्लाइटें जो बहुत सारे देशों में जाती हैं, बहुत सारे, अभी 16 कंट्री तो फिक्स हैं जिनको बैन करके रखा है, इन कंट्रियों के हजारों लाखों लोग टिकट आराम से बुक करवा लेते हैं, एक साथ टिकट बुक करवाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख आदमी भी, तो 20,000 एवरेज करें तो भाई कितना करोड़ों रुपए एक दिन में ये लोग एक मैसेज, एक ट्वीट के माध्यम से कमा लेते हैं। और नॉट रिफंडेबल का अभी ठप्पा लगा दिया गया है कि भाई टिकट वापस नहीं होगी। तो पहले बात तो रिक्वेस्ट ये कि भाई आपको टिकट बुक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे महंगी तो टिकटें आ रही हैं। आज आप लोग मान लो टिकट बुक करवाते हैं, फ्लाइटें चालू होंगी जब भी, तो अभी आपने मान लीजिए भाव चल रहा है 25,000, 30,000, 35,000 का, आपने पैसे दे दिए, वो बोलते हैं जी रिफंडेबल नहीं होगा, आप टिकट बुक करवा सकते हैं। जब फ्लाइटें चालू होंगी तब आप टिकट बुक कराओगे, तो दूसरा टिकट करवा रहा है 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में, और आपके जस्ट लग गए डबल, क्योंकि वो रिफंड नहीं देंगे, टिकट ही देंगे आपको। चाहे वो टिकट आपकी 40,000 की बुक करवाई थी, लेकिन उस टाइम वो टिकट आपको मिल रही है 20,000 में, लेकिन गए ना आपके पैसे। तो इन बातों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं ऑक्सपो 2020। जी हाँ, जो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट होगा, जो होना था 2020 में, हालांकि ये हर 5 साल से एक देश में आता है। आपको पता है एक्सपो 2020 एक्सपो है, वो हर पाँच साल से, जैसे ओलंपिक में ये मैच नहीं हो रहे हैं अभी, जैसे जापान में चल रहे हैं, पहले वीए में हुए थे, अभी वीए में दोबारा वर्ल्ड कप वगैरह ऐसे होते हैं, सेम वीए पोजीशन है। तो हर 5 साल से अलग अलग देशों को इसमें चुना जाता है, इस बार वीए को चुना गया है।
और यूएई ने कसम खा ली कि एक्सपो 2020 में हमें छोड़ना नहीं है इस मौके को, क्योंकि ये 5 साल से मिलता है और इसको इस तरह से लोगों के वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करना है कि पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि दुबई में 200 लोगों से ज़्यादा 200 कंट्रीज से ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन लोग रहते हैं, यानी कंट्री यूएई कंट्री का 200 कंट्रियों के साथ सीधा कोलैबोरेशन है। जी हाँ, तो वो उनकी प्लानिंग है कि भाई जो एक्सपो है इसको बैंकर तरीके से पूरा दुनिया का पैसा सिर्फ यूएई और यूएई में आ जाए। हकीकत बताऊं यही टारगेट है। इसीलिए भाई आप जैसे जो ब्लू कॉलर जॉब है ना, वाइट कॉलर वाले तो बैठे हैं समझ गए, वो भी जो इंडिया है वो भी नहीं जा पा रहे हैं अभी, तो वो भी इंडिया में बैठे हैं, लेकिन व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर का यार उनको क्या मतलब है। जो मजदूर तबका ये समझ सकते हैं, जो वहाँ से 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 दराम कमा के इंडिया भेजते हैं, उनकी उनको फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, ये सच्चाई है। आप गांठ बांध लें, मेरे से लिखवा के ले लें, क्योंकि उनका टारगेट 2020 एक्सपो अक्टूबर में होने वाला है, जो चलेगा 6 महीने। जी हाँ, मार्च 2020 तक चलेगा। 200 लोगों की इन्विटेशन पे लोग 200 देशों के आएंगे और वो अपने कारनामे दिखाएंगे, आविष्कार, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ऐसा अनहोनी जो आपको देखते लगता नहीं और ये तो हो ही नहीं सकता, वो अपने अपने सभी देशों के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। अब सबको अलग अलग स्थान आवंटित कर दिया गया है, पवेलियन जिनको बोल सकते हैं, इंडिया का अलग, पाकिस्तान अलग, सबको अलग अलग जगह मिल जाती है। वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं, अपना कारनामा, आपका आविष्कार दिखाते हैं, वहाँ पर रखते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, कंपनियाँ भी वहाँ जाती हैं, बिजनेसमैन भी जाते हैं, भाई बिजनेसमैन ही जाते हैं, बाकी आप जैसे लोग तो वहाँ पे काम करने वाले भले ही हो जिनको तनख्वाह मिलेगी, बाकी करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन अलग अलग देशों के लोग वहाँ पे जाएंगे, कुछ प्रेजेंटेशन देंगे, कुछ वहाँ से खरीदेंगे और बाकी वहाँ पे बड़ा एक घमासान होगा पैसा इन्वेस्ट करने का। जी हाँ, और वे की सबसे बड़ी यही चाल है भाई, उनको एक्सपो 2020 सक्सेस नहीं, 200% उनको सक्सेस बनाना है और पूरा दुनिया का पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करके एक उछाल, एक बूम लाना है, क्योंकि वे ही सरकार की खासियत रही है भाई, जो भी वो काम करती है नंबर वन करती है, चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे वहाँ के होटल हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वर्ल्ड में नहीं है, अमेरिका वर्ल्ड का दादा है लेकिन उनके पास भी वो चीज़ें नहीं है जो वे ने कर दिखाई है। जी हाँ, और सेम पोजिशन उनकी यही है, इसी वजह से, यही वजह है कि आप लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है, क्योंकि एग्जाम्पल देखिए, क्यों भाई 16 देशों के अलावा भी और 200 कितने देशों के लोग दुबई में जा रहे हैं, सब वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, सब कोरोना टेस्ट सब कुछ हो रहा है ना, तो वो लोग आ रहे हैं जबकि उन देशों में ज़्यादा कोरोना है। इंग्लैंड की बात करें, पता है इंग्लैंड इतना सा देश है इंडिया के सामने, 30-35 हज़ार केस रोज आ रहे हैं, फ्लाइटें चालू हैं, क्योंकि वहाँ से डॉलर में आता है ना पैसा दुबई में, समझ रहे हो बात को, इंडिया से तो क्या जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं जाता, यहाँ से आप 5,000 लेके जाते हो, वहाँ पे तो वो कितना बनता है भाई, 100-200 दिरहम बनता है, उनकी उनको क्या ज़रूरत है, सोचने की बात है ना ये। तो बात वही है ना कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छी यूरोपियन कंट्री हैं, वो सब इन्वाइटेड है, वहाँ पे जा रहे हैं, फ्लाइटें आ रही हैं, जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 कंट्री ऐसी हैं जिसमें दुर्भाग्य से अपना इंडिया भी आता है, क्योंकि इंडिया विकसित देश नहीं है भाई, विकासशील ही है, विकसित देश तब होगा जब विदेशी लोग इंडिया में काम करने के लिए आएंगे, अभी तो इंडियन लोग विदेश में जा रहे हैं, समझ गए, वो दिन बहुत दूर है भाई, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये समझ सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये कि ये जो 16 कंट्री हैं, दुबई जैसे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका या फिर युगांडा, नाइजीरिया, इस तरह के जो देश हैं, गरीब कंट्री जो वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं, उन देशों को फ्लाइटों को बैन करके रखा है। उनमें भी किन को, जो गोल्डन वीज़ा हैं इन्वाइटेड हैं, जो सिल्वर वीज़ा हैं इन्वाइटेड हैं, और उनमें सरकार ने एक ऑप्शन और भी दे दिया कि कुछ कैटेगरी के लोग जिनके पास अलग से कुछ है, स्केपेबल है, वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं, जो अलग दिखाना चाहते हैं, जिनमें योग्यता है, वो लोग भी वहाँ पे जाएंगे। योग्यता किसके पास नहीं है, जो जाके वहाँ पे नौकरी करते हैं उनके पास योग्यता नहीं है, बाकी सब लोग जिनके भी पास योग्यता है वो लोग स्पेशल इन्विटेशन से पहुँच जाएंगे वहाँ पे। जी हाँ, एक्सपो की तरफ से उनको इन्विटेशन मिलेगा, इन्विटेशन के आधार पर उनकी फ्लाइट होगी, वैक्सीनेशन होकर वो आराम से वहाँ पे जाएंगे, रहेंगे, अपना कारनामा दिखाएंगे, अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, और जो बिजनेसमैन है करोड़पति हुआ वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या कुछ खरीदेंगे, एक्सवाइजेड कुछ भी करेंगे, बिजनेस वगैरह। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है भाई, इस तरह से जो चल रहा है ना, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं पता चले कि एक्सपो के पहले फ्लाइट ही ओपन नहीं हो, फ्लाइटें ओपन हैं लेकिन आप लोगों की एंट्री नहीं हो, ऐसा मैं सोचता हूँ, हालांकि ऊपर वाला ना करें कि ऐसा हो। बाकी भाई देखिए, वी सरकार के सामने एक्सपो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, उसके सामने वो आप लोगों की कुर्बानी देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, क्योंकि बता दूँ, लगभग 25 लाख लोग पहुँचेंगे भाई, 200 लोगों के 25 लाख लोग पहुँचेंगे 200 कंट्रियों के, तो उसमें 25 लाख लोग कौन है, मजदूर वर्ग नहीं है जो वहाँ पर जॉब करने वाला है, जो एक्सपो में इन्वाइटेड है वो लोग हैं 200 कंट्रियों के,
तो भाई आपका नंबर कैसे आएगा, क्योंकि 25 लाख पॉपुलेशन वो रहेगी, आप रहोगे वहाँ पे अचानक से, सोचने की बात है ना। भीड़ तो भीड़ जबरदस्त है, 6 महीने तक तो भाई उन्हीं का बोलबाला है। तो उम्मीद करो कि आप फ्लाइट ओपन हो जाए, बाकी मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भाई, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी जानकारी के साथ। जय हिंद।